பராக்கிருதமதுபந்தம் பரம் பிரம்மராஜே சௌந்தரியசாரஸ்ரவஸ்வம் வந்தே நந்தாபிரம்மஹோ ப்ரபன்ன பாரிஜாதாய சூத்ரவேசை கோபாலாய ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருதுவே நம வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சுதானூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும் अनेक जाति के अनेक तरह के शरीर है, उनमें मनुष्य शरीर की महिमा विशेषता से बताई गई है। उसका कारण है कि इससे हम बहुत बड़ा भारी लाभ ले सकते हैं, जिसके लाभ का कोई अंत नहीं। इमलद्वा क्या परम लाभ मन कहीं नाथिमे, जिससे बढ़कर कोई परम लाभ होता ही नहीं। और दुख वहां दुख संयोग योग स्पर्श ही नहीं है दुख का, ऐसा आनंद प्राप्त कर ले उसका ये अधिकारी मानव शरीर है। और मानव शरीर मिलने के बाद फिर यदिंचित भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, कल्याण की इच्छा चाहना, ये एक दुर्लभ रह जाती है। और उसके प्राप्ति होने के बाद फिर ठीक सत्संग मिलना दुर्लभ रह जाता है। तो वास्तव में सत्संग जो संत महापुरुष उनका है, अपने सत्चर्चा करते हैं, सत्कर्म होता है, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है और सत्संग होता है। तो सत्कर्म जो सात्विक कर्म वो सत्कर्म है और निषिद्ध है वो असत कर्म है। परंतु सूक्ष्मता से देखा जाए, गीता के अध्ययन करके तैयारी रीत से देखा जाए, तो अपने स्वार्थ के लिए कर्म भी असत कर्म है। सत्कर्म वही है जिसमें कर्तृत्व नहीं है, भोगेच्छा फलेच्छा नहीं है, वो सत्कर्म है। वे सत्कर्म किए जा सकते हैं, इसके लिए ये अवसर है मनुष्य शरीर। और सत्चर्चा, जैसे हम भगवान की चर्चा करते हैं, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, त्याग है, योग है, इसकी जो हम आपस में चर्चा करते हैं ये सच चर्चा है। और इस चर्चा को लेकर हम ज्ञान उपार्जन करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, तत्व का, ये सच चिंतन है। और जो भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के बिना रहा न जाए, उस तत्व की अभिलाषा जोरदार हो जाती है, तब वो सत्संग शुरू होता है। और भगवत प्राप्ति हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, वो सत्संग है। तो हम मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अब सत्चर्चा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। सत्कर्म करें और सत्चर्चा करें और सत्चर्चा का ही चिंतन करें। परमात्म तत्व का चिंतन करो, निस्वार्थ भाव से सेवा का चिंतन करो, सांसारिक पदार्थों के त्याग का विचार करो, ये सब सत्चर्चा में आ जाता है। और इसका नतीजा परिणाम सत्संग होता है, सत के साथ में संग।
हमारी आसक्ति, हमारा विचार, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य वो परमात्म तत्व हो जाए, ये सत्संग का आरंभ है, उसके लिए इकट्ठे हुए। तो 84 लाख जोनी में एक मनुष्य शरीर विलक्षण है, उस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होने के बाद ये सत्संग का अवसर भी दुर्लभ है। अनेक जोनियों में एक मनुष्य शरीर है, ऐसे इस मनुष्य शरीर की प्राप्त होने के बाद कभी कभी सत्संग होती है, तो ये और दुर्लभ है। मनुष्य शरीर से भी, शरीर मिल जाने पर भी ये बात दुर्लभ रहती है। इस सत्चर्चा को खूब तत्परता से सुने और इसके अनुसार अपना जीवन बनावे, वैसी हमारी स्थिति बन जाए तो हम अगर ही सत्संगी हो जाएंगे, सत्य प्रेमी हो जाएंगे। तो सत्संग के प्रेमी होने के उद्देश्य से हम सत्चर्चा कहें और सुने, विचार करें, उसके लिए ये मौका मिला है। इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, निरर्थक न चला जाए, अधिक से अधिक इससे लाभ ले लें। इसी में ही मनुष्य की बहादुरी है, श्रेष्ठता है, उत्तमता है। अगर ऐसा मौका पड़ने पर भी लाभ नहीं लिया तो गलती हो जाएगी। इस बात से भाई बहनों से कहना है, बड़े उत्साह से इससे लाभ लेना है। सत्संग का अवसर, ये जो सत्संगता है ना, उसको भी सत्संग ही कहते हैं। इस सत्संगता का अवसर बहुत कम मिलता है और इसमें बातें कई तरह की आती रहती है। उन बातों में भी जो विशेष करके जीव के कल्याण करने वाली ऐसी बातें जिन जिन भाइयों को बहनों को मालूम होगी, ये बात बहुत बढ़िया है, मार्मिक बात है, विशेष ख्याल करने की बात है, ऐसी बात है, उस पर विशेष ध्यान दें और उसके अनुसार अपना जीवन बनावे। बड़ी सजगता से उस सत्यों को सुनकर वैसा अपना काम करें तो इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो आज आरंभ है इस बात का यहाँ, तो ये विशेषता से मन में आई कि भाई बहन ध्यान दें, इस सत चर्चा का बड़ा सदुपयोग हो जाए, इसके अनुसार ही जीवन बन जाए, सत्चिंतन बन जाए, सत्संग हो जाए। सदा प्रसंगात्म वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा, इस चर्चा में भगवान की कथाएं होती, तद्दोषणागाश्वर्गवर्तने श्रद्धा फिर भक्ति अनुक्रमे सभी, इसके सेवन करने से भगवान में श्रद्धा प्रीति ये हो जाएगा। तो वो प्रीति है वास्तव में सत्संग। दोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमान श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमे सभी, श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रम से हो जाए। तो बड़ी सावधानी से बातों को सुने और काम में लाएं। सज्जनों ठीक तरह से अगर सुना जाए, काम में लाई जाए, तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारी आदत में जो दुर्गुण दुराचार है वो चले जाएंगे। क्यों? दुर्गुण दुराचार वास्तव में भीतर वास्तव में नहीं है, ये आगंतुक दोष है। और सत्य चीज है वो हमारी सदा से है, वो सदा रहने वाली है, नित्य है, अभाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता है। तो उस सत को हम पकड़ लें, उसके अनुसार जीवन बना लें, तो हम मनुष्य शरीर को सफल कर लेंगे, इस अवसर को महान उपयोगी बना लेंगे। तो बड़ी सावधानी से बातों को सुने और काम में लावे। बहुत सी बातें सुनी जाती है, कही जाती है, चर्चा की जाती है। खास करके दो बात है, एक तो भगवान को याद रखना और एक किसी को दुख न पहुंचे। हर एक को आराम कैसे पहुंचे, सुख कैसे पहुंचे, सेवा कैसे बन जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरामय हो जाए, रोग न हो किसी को, सबके मंगल ही मंगल हो, प्राणी कल्याण, कोई भी दुखी न रहे, ऐसे भाव से बर्ताव करो। सज्जनों, अपना बर्ताव है ये ही वास्तव में अच्छा और मंद दोनों होता है। प्रेम का बर्ताव, सबके हित का बर्ताव, भीतर से भाव सदा शुद्ध और वो बर्ताव, वो अच्छा बर्ताव, श्रेष्ठ बर्ताव, सद बर्ताव कहा गया है। उससे अंतःकरण निर्मल होता है। तो सत्संग की बातें सुनकर ऐसे ही अपने काम करें जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध होने पर अच्छी अच्छी बातें समझ में आने लगती है, अच्छी अच्छी बातें उत्पन्न होने लगती है, भीतर से आने लगती है, और वो सुहाती है और वो धारण हो जाती है। और ये धारण करने से हम सत्संगी बन जाते हैं, सत्संग के तरफ हम चल पड़ते हैं। इस बार से इन बातों को धारण करें, आज से ही पक्का विचार ऐसा रखे कि सत्संग छोड़े नहीं। ये बात मैंने देखी है, विचार किया, मेरे समझ में बात आई है। जो सत्संग की परवाह करता है और सत्संग का त्याग नहीं करता, जहाँ सत्संग ये समारोह होता है, ये भी सत्संग का साधन सत्संग ही है, इस समारोह में अपने कफरत नहीं करता, छुट्टी नहीं करता, रोजाना ठीक हाजिर होता है, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है। और जो कभी सत्संग में जावे कभी न जावे, कभी सुने कभी न सुने, ऐसी बात होती है। तब एक बात मेरे समझ में आई है, देखने में आई है, ऐसे उपेक्षा करने वालों को उनकी मार्मिक बातें उनके लिए वो मिलते नहीं। मैंने देखा है क्या, कभी कभी ऐसा प्रसंग चलता है तो मेरे को भगत भगत पर व्यक्तियों की स्मृति हो जाती है। तो ये बातें तो अमुक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है, उनके लिए ठीक है, ऐसा विचार करता हूँ। वे देखते हैं सदा आती है, तब तो उनकी समझ बात आती है, मौका मिल जाता है, पर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो उनके हित की वास्तविक बातें है वे आती है, उस दिन वो हाजिर नहीं रहता। सत्संग का एक तरह से अपराध किया है, उसका वो दंड मिलता है, उसके व्यक्तिगत बड़े भारी बात काम की बातें है वे होती है, उस समय वो हाजिर नहीं रहता, वो खाली चले जाता है। तो अपनी दृष्टि से अपने सदैव ही थोड़ा मौका है भाई, जैसे 84 लाख धोनी में मनुष्य शरीर बहुत छोटा है, ऐसे इस मानव शरीर में भी सत्संग का मौका बहुत छोटा है। इससे विशेष सजग होकर लाभ उठा ले तो लाभ हो जाएगा, नहीं तो कभी सुना कभी नहीं सुना, उसको भी लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु एक मार्मिक बात हमारे दृष्टि में आई है, उसके खास लाभ की बातें होती है जो उपेक्षा करने वालों को नहीं मिलती, और अपेक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, इसमें तत्पर होकर सुनते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको भी बातें विशेषता से मिलती है, मेरे कहने में भी आती है विशेषता से, और ऐसे सज्जनों की सुनने में भी आती है, और बड़ा लाभ होता है। बड़ी सुगम सुगम बातें, बड़ी सरल सरल, बड़ी श्रेष्ठ, जीव का कल्याण हो जाए ऐसी बातें आती। मेरे मन में एक धुन रहती है सवाल हुई कि सज्जन हमारे भाई बहन परमात्म तत्व के सम्मुख कैसे हो जाए, और सरलता से और बड़ी भारी बात इनको मिल जाए, सरलता से सुगमता से भी अनुष्ठान कर लें और प्रत्यक्ष उनको फल हो जाए, ऐसी बातें मेरे मन में आती है। सोचता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, विचार करता हूँ, तो मेरी बातें ऐसी बातें समझ में आती है, विशेषता से कि सरलता से जीव का कल्याण कैसे हो, सुगमता से जीव का उद्धार कैसे हो, बहुत लाभ होता है। पुस्तकें भी ऐसी है जैसे गीता है, रामायण है,
ये बड़ी अलौकिक पुस्तकें हैं। इनके ऊपर टीका भी लिखी हुई है, चतुर्वेदनी है, अभी साधक संजीवनी प्रकट हुई है, ऐसे लिखी गई है बात। उसमें बहुत विशेषता से बातें हैं। एक बात याद आ गई, हमने एक बात एक व्यक्ति से सुनी, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की बात है, उन्होंने अपने जीवन की बात बताई। मेरे यहाँ एक विवाह हुआ था, उस विवाह में एक भाई ने घी का कनस्तर चुरा लिया, हमें बैंक पर गया, पता लग गया, चला गया। आजकल के जमाने में घी का कनस्तर बना हुआ है, घी का बहुत विशेष कीमती होता है, तो मन फट गया। तो कैसा आदमी है, हमने विश्वास किया और विश्वासघात किया। कुछ वर्ष बीत गए, बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने साधक संजीवनी पढ़ी, आरंभ से अंत तक पढ़ ली, पढ़ने पर मेरे मन में विचार आया कभी उसने तो चोरी कर ली, तो तेरा बर्ताव क्या होना चाहिए, अपने तो गलती दूर करने चाहिए ना, गलती किसी में ही रहनी अच्छी नहीं है, परंतु अपने जिन गलतियों को गलती समझ रहे उन गलतियों को दूर करना चाहिए। तो उस सज्जन को निमंत्रण देकर बुलाया, बड़े आदर से उसको भोजन कराया। तो ये मेरे को बात कही कि मेरे मन में भाव पैदा हुआ, जो द्वेष का भाव था वो चला गया। अपने द्वेष क्यों करना भाई, चीज गई सो गई, रही सो रही, पर तो अपना भाव क्यों मैला करना चाहिए। भाव मैला कर लिया तो वो मैला अपन साथ चलेगा, मरने के बाद भी वो पीछे नहीं रहेगा। यहाँ इकट्ठा किया हुआ धन संपत्ति वैभव है वो तो यहीं रह जाएगा, परंतु हृदय के भाव जैसे बन गए हैं किसी व्यक्ति के प्रति, तो भाव जो हमारे बने दुर्भाव, वो व्यक्ति नहीं रहेगा, उसका संबंध नहीं रहेगा, परंतु दुर्भाव रहेंगे। वो दुर्भाव हमारी दुर्दशा करेंगे, अगाड़ी बहुत नुकसान करेगा, इस वास्ते अपने दुर्भाव को मिटा देना चाहिए। तो कहा मेरा दुर्भाव मिट गया और ऐसा मैंने बर्ताव भी अच्छा कर दिया। तो पुस्तक के पढ़ने से असर होता है, ऐसा मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मेरे पुस्तक पढ़ने की शौक है, अब भी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ और पुस्तकों से मैंने लाभ लिया है। इस वास्ते मेरे मन में आती है पुस्तकों का जितना प्रचार किया जाए उतना लाभ होगा। तो हुआ है मेरे को, मैं पता है, मैं जानता हूँ इस बात को। तो पुस्तकों के अध्ययन करने से बहुत लाभ होगा, जिसमें भी गीता और रामायण ये ग्रंथ बड़े अलौकिक विलक्षण है। तो हमारी ये चर्चा हो रही है, इसके बाद रामायण के पाठ करने की बात भी चल रही है, वो भी आयोजन होने वाला है, देखो राम जी ने भाव है। तो इसमें हम साथ में हृदय से इनका अनुमोदन करें और इसमें तल्लीन होकर के और विचार करें। सज्जनों मौका है, समय चूके पुनः कापसिता ने का बरसा, जब कृषि सूखा ने खेती सूख जाए फिर बरसा हो तो क्या है। तो समय चूक जाने पर मनु के पश्चाताप होता है, अगर समझदार है तो, और बेसमझी है तो मन यूं समझ जाता है, यूं समझ लिया, बेपरवाही। ये जो लापरवाही है ये मनुष्य को नीचे समझ जाने वाली है। संतों ने कहा दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीति हृदय से करिए पर है ये दुख द्वंदा, चित्त में दिल में जागृत रहिए, जागृत रहो, हरदम जागृत रहो, सावधान रहो, कोई भी दुर्गुण दुराचार न बन जाए, सदगुण दुराचार हमारे सामने से चला न जाए, ऐसे खूब इसमें हम तत्परता से लगे रहे। तो सत्शासनों से, सत्सच्चा से, सत्कर्म से हमें लाभ होता है, होता ही है, नियम है, लाभ से कोई वंचित नहीं रह सकता। जितने जितने श्रद्धा और भक्ति और तत्परता और उत्साह से, तत्परता पूर्व उत्साह से सुनेगा, धारण करेगा, उसको विशेष लाभ होगा। एक मार्मिक बात है
ये जीव जितने सबके सब साक्षात परमात्मा के अंश है, ये सत्य तत्व है, इसका कभी बिगाड़ नहीं होता, ये परिवर्तित नहीं होता। तो सत्य चीज है वो सबके भीतर सदा मौजूद रहती है। असत संग से असत बातें आती है, स्वभाव बिगड़ जाता है, वे बिगड़ी हुई तो आने जाने वाली है, वे रहने वाले नहीं है। वो सब चीज है वो रहने वाली, वो जाने वाली नहीं है। ना भाव भी देते सतह, सत का अभाव नहीं होता है। उस बात को हम पकड़ रहे तो बड़ी सुगमता से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ध्यान दिया है ना, परमात्मा के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ऐसा जीव है कि ये सत्यता इसके सदा स्वतः है, स्वाभाविक है। जन्म जात कहे तो भी थोड़ी बात है, जन्म से पहले भी है पीछे भी है, तो ये स्वतः स्वाभाविक है। इस वास्ते सच्चरता भीतर की असली अपनी भूख है, उसको मिटाने वाली है। ये संसार के पदार्थों का संग्रह और उनका सुख भोग है, ये धोखा देने वाली दो चीजें हैं। ये अच्छी दिखती है, संग्रह अच्छा दिखता है, भोग अच्छा दिखता है, हमें आराम अच्छा दिखता है, मान बढ़ाई सत्कार आदर कोई करे तो अच्छा समझते हैं, उसको भी अच्छा समझने लग जाते हैं अनुकूलता होने के कारण, परंतु इससे लाभ नहीं होता है। पुराने पुण्य खर्च होते हैं और आदत यहाँ बिगड़ती है और फिर पतन की तरफ चले जाते हैं। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज नचाता हुआ मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, तो भगवान ने उत्तर दिया है कामना, मन में सुख की कामना, असत पदार्थों के द्वारा जो थोड़ा सुख मिलता है उस सुख की इच्छा है, ये पापों की जड़ है। नचाते हुए पाप कर बैठेगा इसके बीज में आकर के, और ये असत का त्याग कर दे मन, सत्संग स्वतः होगा और उसमें लग जाने से लाभ जरूर होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते अपने भाई बहन सजग रहे, सावधान रहे, सदा नित्य नित्य प्रति जितना दिन हो सके हमारे से, तो रोजाना इस समय को बचा करके और काम धंधों से बचाकर इसमें लगा रहे, इसमें तत्परता से लग जाए। कभी न हो सके बात एक अलग है, गृह काल नाना जंजाला सेहत दुर्गम शैल विशाला तरह तरह के काम होते हैं, परंतु तो जहाँ तक बन सके अपनी तत्परता ऐसी लोग रोजाना इस महादुर इसका लाभ उठावे, और सुनी सुनी बातें हैं उनमें से अच्छी लगे वो बातें धारण करें। एक बात और है, अगर इस बातों को सत्संग होने के बाद आपस में आप दोहरावे और विचार करें बात करें तो उससे लाभ बहुत ज्यादा होता है। स्वयं एक सुनता है उनसे लाभ होता है, परंतु उसी चर्चा को जब दो चार भाई बहन 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 मिल जाए भाई भाई मिल जाए मिल करके उस चर्चा का पुनरावर्तन करें, फिर याद करें, देखें क्या हुआ, कैसी बात हुई, आज क्या बात चली, कैसी हुई, अगर इससे से विचार करें तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। ये बातें भीतर जम जाएगी, भीतर से धारण हो जाएगी, चिपक जाएगी, उसके अनुसार जीवन बन जाएगा, बड़ा लाभ होगा। इस बार से सत्चर्चा है, उसी सत्चर्चा हम भी करें, आपस में विचार करें तो सत करने से सत की तरफ जाते हैं, वो सत हमारा स्वरूप है और उसी तरफ ले जाने वाली ये चर्चा सत्संग सत्कर्म आदि उधर ले जाने वाली है। इस बात से रोजाना बड़ी सावधानी के साथ मिल करके इस चर्चा का आवर्तन करें, चर्चा का आवर्तन करें, पुनः पुनः याद करें, सोचे समझे स्वयं सोचे और आपस में चर्चा करें। आपस में चर्चा करने से लाभ ज्यादा होता है। दो भाई बहनों ने सुना, तीन चार बहनों ने सुना और वे बात करें, आज ये बढ़िया हुई, आज ये बढ़िया हुई, आज ये बढ़िया हुई, तो किसी को कोई बढ़िया लगी, किसी को कोई बढ़िया लगी, तो सभी बढ़िया बढ़िया बातें इकट्ठी हो जाती है, सबकी लाभ की बातें हो जाती है। सत्संग करते हुए हम ध्यान देते हैं तो कभी ध्यान में आती है, कभी बातें नहीं आती है, कभी कभी तो ऐसा होता है, हुआ है हमारे कि बात की ये बात ये बात और ये सत्संग आई थी, अच्छा हमारा तो ख्याल ही नहीं हुआ, इस
पता ही नहीं लगा बात निकल गई। ऐसी बात हाँ बहुत सही है, बड़ी बात है, मेरे ऐसी की थी बात। एक सज्जन ने बहुत वर्षों की बात है, कोई 50-60 वर्ष 50 वर्ष की होगा, 50 वर्ष तो कम नहीं है ज्यादा ये। एक सज्जन ने मेरे को बात सुनाई, अपने डायरी में लिखी हुई बड़ी सुंदर बात है सुनाई। तो मैंने सुनी, मैंने को बात बहुत अच्छी, भाई ये कहाँ से लाए? तो उसने कहा अमुक तारीख को आपने व्याख्यान दिया था, उसमें बात आई। तो मेरी कही हुई बातें भी सुनने से हमारे को प्रिय लगी, मन में उठा गई, बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम्हारी सही हुई है हमें याद ही नहीं। भगत पर ऐसी बातें विलक्षण होती है, हम कह देते हैं, सुन देते हैं, सुना देते हैं, पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, पर पढ़ते हुए भी उन बातों को ठीक तरह से संग नहीं पकड़ते नहीं, पकड़ में आती नहीं सब बातें। पर दो बार तीन बार उन बातों का विचार करें तो उनमें एक नया पड़ा दिखता है, उन बातों में एक विलक्षण दिखता है। जैसे भगवान के स्वरूप के लिए लिखा है कि दिने दिने नवम नवम नमाम नंद संभव, भगवान दिन प्रतिदिन नए है, ऐसे सत्संग की बातें नई नई होती है। एक सज्जन ने हमें सुनाया था कि आपकी बातें तो वही है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, यही तो है सत्य और क्या है, पर भाई ऐसी है। हमने विलुप्त बात कही कि रोटी कल खाई वही आज है, आज खाए वही कल है, वही गेहूं बाजरा जो चढ़ाता है, ये चीज अनाज है खाते हैं। तो ये नहीं हो गई, ये तो रोटी खाई हुई है भाई, गेहूं की रोटी तो खाई हुई है, अब बाद में भी उधर वो खा ली 3-4 दिनों के बाद खा, अगर नई रसोई दुकान से ला गई वो तो पुरानी रोटी हम खाई हुई है हमारी, ऐसा नहीं कहते। कैसे नहीं, क्यों नहीं कहते? सर ये तो खुराक है, इसके बिना मर जाएंगे जियेंगे इसके बाद, इस बात वो पुरानी नहीं होती। गेहूं की रोटी खा दी ये तो पुरानी हो गई, कई बार खाई हो क्या खावा इसको, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से सत्संग में बातें वही आती है, प्राय वही उस आती है, कोई और ढंग से कही जाती है, परंतु उन कहने के और सुनने के कारणों से मन में एक बड़ी ताकत आती है। जैसे अन्न खाने से एक शक्ति आती है, इस तरह से सत्संग की भी एक खुराक है। जिनको खुराक का रस लग गया है और ये रुचि पैदा हो गई है भीतर से, वे छोड़ नहीं सकती। सत्संग मुझे हो रहा है तो उसे छूटता नहीं, वहां जाना पड़ता है, कई काम हो तो उनको इधर उधर करके भी जाना पड़ता है, ऐसी कुछ विलक्षणता है। भाई बहन ध्यान दें तो ये बातें समझ में आ जाती, ये अकल में आ जाती है बातें, और बड़ी विचित्र बातें मालूम रहती है, नई नई मालूम रहती है बातें। जैसे भूख लगे तो कई वर्षों से खाते आए हैं रोटी, फिर भी भूख लगे तो बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, वो भोजन की जो सामग्री है बड़ी अच्छी लगती है। इसी तरह से सत्संग की बात सुनते सुनते वर्ष हो गए, फिर भी सुनते हैं तो ये बात ही उन्हें रुचि होती है। रामायण माया है कि राम चरित से सुनत अघा है, रस विशेष ध्याना चल ना है। जो रामचरित सुनते हुए सत्संग सुनते हुए अढ़ा जाते हैं कि ये सब सुनी हुई बातें हम जानते हैं, क्योंकि तो रस विशेष जाना करना है, उन्होंने रस विशेष जाना नहीं, विशेष रस जानते ये बात नहीं आएगी, ये तो बात हमारी लगी हुई है सुनी हुई है। जैसे भोजन करते भोजन हमारे किया हुआ, कई बार किया भोजन, अब रुझा नहीं क्या है खाना, रुझा नहीं क्या भोजन कर किया हुआ, ऐसा कोई नहीं मानता। खुराक है इसके बिना रहा नहीं जाया भाई, तो वो जैसे खुराक शरीर की है, ये खुराक स्वयं की है, स्वयं इसमें अनुभव करता है, स्वयं खुद ये शरीर आदि तो ऊपर के वो स्वयं है, तो ऐसे उसे लाभ होता है। इसलिए से भाई बहन ख्याल रख करके उन बातों को सुने तो बड़ा लाभ होता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, इसमें पर हित शब्द लिखा और पर पीड़ा लिखा हो तो पीड़ा की जगह पर सुख सरिस धर्म नहीं भाई, अरे पर दुख सरिस पाप नहीं, ऐसा कहना चाहिए। परंतु पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं, इस बार से हित करने वालों के लिए लिखा कि ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, हिते रता इसकी महिमा बहुत ज्यादा है।
सुख की इतनी महिमा नहीं है। जैसे हित किया तो अहित की बड़ी भारी निंदा है, पर अहित की निंदा तो हो जाए तो अहित नहीं लिखा दे, पर हित स्पर्श धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अनुभाई, दूसरे को तो पीड़ा भी नहीं होनी चाहिए, हित होना चाहिए, ऊंची बात है, कम से कम पीड़ा तो न हो, दुख तो न हो, इतनी बात तो हो। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तन से मन से वचन से भाव से किसी को दुख नहीं देता है, तुलसी पातक धरत है, देख तो उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं। तो दूसरे का हित रहना ये बड़ी चीज बढ़िया है। भगवान श्री राम अंगद को भेजते हैं रावण के पास, तो कहते हैं तुम परम शत्रु हो, तुम्हारे क्या कहे बात क्या करनी है वहां, के काज हमारा तासु हित हो, काम तो हमारा बने परंतु हेतु श्रावण चाहिए, कितनी दीर्घ दृष्टि है, हेतु श्रावण चाहिए। इस वास्ते भगवान ने अरि अनबल की नंद रामू, राम ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, हित की दृष्टि है, हित तासु हित हो गई, सुपगुण स्वरूप बल पर वही बात करना रावण से, उसका हित हो जाए, काम हमारा बने, हम तो काम वास्ते आए ही है, परंतु हित उसका होना चाहिए। तो काम बढ़ना इतनी ऊंची दामे की बात नहीं है जितनी हित की है, तो सर्वभूत हित रता प्राणी के हित में प्रीति होनी चाहिए। आप हित कितना करते हैं, कितना कर सकते हैं, इसको कोई परवाह नहीं, वो तो शक्ति के अनुसार होगा, धन होगा धन अधिक हो तो अधिक हित कर सकता है, सेवा कर सकता है, बल अधिक हो तो अधिक की सेवा कर सकता है, योग्यता हो तो योग्यता से अधिक कर सकता है, अधिक कम की बात नहीं है। अपना बल है, अपनी योग्यता है, अपना जो धन संपत्ति है, इसके द्वारा दूसरों का हित करना वो पूरा हो गया, हमारे बल के अनुसार हम काम करते हैं, पूरा काम कर दिया हमने, शक्ति नहीं हमारे सामर्थ्य नहीं, हमारे पास पैसे उनके अनुसार हमने पूरा काम कर लिया तो हमारा काम पूरा हो गया, भगवान पूरा मान लेते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं किसी पास में सामग्री इतनी है, अब इससे अधिक क्या करे बेचारा, है सामग्री उसमें विचार बचाव न करके और हित में लगा रहता है, अपनी शक्ति है सामर्थ्य है सामग्री है वो सब हित में लगाता है तो भगवान उसको पूरा मान लेते हैं, वो बचा कर रखता है उतनी कमी रहती है, न बचा कर पूरा रखे तो पूरा हो जाता है, फिर पूरा काम हो जाता है उसका, इसमें संदेह नहीं, क्यों दुनिया मात्र का हित कोई आदमी कर सकता है, अरे भाई दुनिया सबकी सब मिल करके एक आदमी का भला करना चाहे, एक आदमी को प्रसन्न करना चाहे, राजी करना चाहे, तो दुनिया मात्र मिलकर के एक भी प्रसन्नता नहीं ले सकता, तो एक आदमी सब दुनिया की प्रसन्नता कैसे ले सकता है, शक्ति के अनुसार अपना काम करे, सत सारू बतो बांटिए नापो कह तो नारा निपट ना करो न दे दिए उन देरा, शक्ति सब सारू बतवाट शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति पूरी लगा कर हित करे तो उसका हित हो ही जाता है। भगवान भी देखते हैं कि इतनी कम शक्ति होने पर भी देखो पूरी शक्ति का हित करता है, तो भगवान खुद चेत करते हैं कि तेरे पास शक्ति क्या काम आएगी अगर तू हित नहीं करता है, तो भगवान उससे सीखते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसका भला करते हैं, शक्ति के अनुसार हित करने वाला है ये, तो भगवान अपनी शक्ति के अनुसार उसका हित करते हैं। तो सज्जनों मौका है, ये तो समय है, मारवाड़ी कहावत है बात बह जाएगी, बार बह जाएगी बात रह जाएगी, ये समय तो बह जाएगा, समय तो चला जाएगा, परंतु इस वक्त में जो अच्छा उपयोग कर लिया है वो लाभ उसको हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते सबका हित कैसे, किसी का भी अहित ना हो, दिल किसी का मधु का दिल खुदा का नूर है, परमात्मा का स्वरूप है, किसी के सुख दुखाओ मत, जहां तक अपने बल पर चले वहां तक दूसरे की प्रसन्नता लो। मैं तो कहा करता हूँ बालकों को कि अभी तुम अपने माता पिता की प्रसन्नता लो, माँ की प्रसन्नता लो, माँ का दर्जा शास्त्र में बड़ा ऊंचा बताया है, वो प्रसन्न है, ऐसे करो, थोड़ा कष्ट भी उठा लो, कोई नुकसान भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं, माँ खुश हो गई, हमारे माता पिता खुश प्रसन्न रहे, मातृदेव हो आचार्य देव हो अतिथि देव हो, देव के समान समझो, पर माँ है अपने साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, इस वास्ते माँ को सुख पहुंचे आराम पहुंचे ऐसा भाव रखो, सबके प्रति ऐसा भाव हो, परंतु ये विशेष करके कुटुंब में रहते हो
तो कुटुंबियों को सुख जल्दी पहुंचाना, साफ पहुंचाना, अच्छा पहुंचाना, ये विशेष कर्तव्य हो जाता है। आप अपनी शक्ति के अनुसार सबका हित करो, मिलकर के रहो। मैंने ऐसी बातें सुनी है, जहां सत्संग हुआ है तो उनमें लोगों ने कहा कि सत्संग सुनने से चातुर्मास हुआ, दो महीना रहे, बातें सुनाई। तो मैंने बातें सुनी, लोगों ने कहा हमारे घरों की कलह मिट गई, घरों की लड़ाई मिट गई, आपस में स्नेह हो गया। कितनी विशेष बात है, हजारों लाखों रुपया देने से ये काम नहीं होता, भाव शुद्ध होने से ये काम बड़े सरलता से हो जाता है, सुगमता से हो जाता है, हमें कोई मेहनत नहीं पड़ती और काम हो जाता है। तो सज्जनों, भाइयों, बहनों, मौका है अभी इन बातों को ठीक तरह से साधन कर धारण करके और उस तरह से तत्पर और काम में लावे तो हमारे बड़ा स्नेह हो जाता है आपस में। घर में रहते हैं स्नेह है तो घर स्वर्ग के समान सुखदायी हो जाते हैं। और जिन घरों में कड़ा होती है तो वो घर नरक के समान हो जाता है, रहना तो पड़ता ही। घर कहाँ से लिया? एक बात याद आ गई, एक संत ने एक विशिष्ट बात कही, हमें बड़ी अच्छी लगी कि ये विरक्त और त्यागी होते हैं ना साधु, इसमें एक बड़ी भारी कमजोरी रहती है। उस कमजोरी को वो ये मिटाने ख्याल नहीं करते, मैं हमारी कमजोरी 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 नहीं देखते। वो क्या रहती है? कहती है जहां मन लगा अनुकूलता ठहरी, अनुकूलता नहीं है प्रतिकूलता ही उसे चल दी। तो प्रतिकूलता सहने की शक्ति उनमें नहीं रहती, परंतु गृहस्थ में है प्रतिकूलता कहा जाए भाग करके उनमें सहिष्णुता आ जाती है, सहने की शक्ति आ जाती है। त्यागी विरक्त हुए समझते हैं हमें क्या नहीं, असली बात ये चलो यहाँ से, अपने यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो कमजोरी सदा रह जाती है और उनके ख्याल में नहीं आती कि हमारी कमजोरी है इसमें। वो समझते हमें क्या परवाह है, हमें किससे क्या लेना है, हम चल देंगे। यूं विचार नहीं है कि चलोगे तो कमजोरी रह जाएगी, इसको सह सकोगे नहीं, कमजोरी दूर कर सकोगे नहीं। तो साधु हमें एक विशेष कमजोरी रह जाती है। अब गृहस्थ में भाई बहन है, उनके आपस में तरह तरह के विचार होता है। अब वो दुख हो जाए तो कहाँ जाए, सब छोड़कर कहाँ जाए, साधु एक कमल उठाया चल दिए बस, परवाही नहीं। तो गृहस्थ में रहते हुए ये पाठशाला है, गृहस्थ आश्रम है, ये हमारे भारतवर्ष में विशेष पाठशाला है। काम करते हुए उसमें सहिष्णु बन जाएंगे, मानो प्रतिकूलता में प्रतिकूल परिस्थिति में भी रहते हुए भजन ध्यान करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं तो उनमें एक विशेष ताकत आ जाती है। अनुकूलता में भजन ध्यान करना सेवा करना बड़ा सुगम हो जाता है, जो प्रतिकूलता सह ली, प्रतिकूलता आई उसको ठीक काम कर लिया। इसी तरह से भाइयों, अभी घरों में रहते हुए हमारी ये बहनों अगर विचार करें आपस में ठीक तरह से तो अपने जीवन का बड़ा भारी सुधार कर सकते हैं। क्योंकि घर में तरह तरह के काम होते हैं, तरह तरह की व्यक्ति होती है, तरह तरह का स्वभाव होता है, तो सब स्वभावों को लेकर जो चलता है उनका बड़ा कल्याण होता है। और बहनों माताओं को उठाना पड़ता है, भाई तो फिर भी बाहर चले जाए कहीं विचार कर रहे हैं, बहनों कहाँ से जाए। विश्वासी जमीन में खटपट बहुत होती है, बहनों में खटपट हो जाती है, आपस में अलग हो जाते हैं, ये बहनों का देती है। एक बात याद आ गई, आप क्षमा करना बुरा मत मानना, एक संतों ने कहा कि बहना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी। उसमें कई बातें आई है, उसमें एक बात ये भी आई है कि पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, पांच सात जो भाई भेड़ा कैसा लगे प्यारा, जे बायरो हुकुम सुने तो कर दे न्यारा न्यारा। इस बात खटपट करके अलग अलग कर देती है, ओढ़ पहर कर एडी करके कुंडबायों की पर दे, जे बायो को हुकुम सुने तो चोटी फरुकता कर दे। चोखा चावल माठ बाजरी घर में आगा मेले, अरे धानर घना का करा मांगणिया में ठेले। सोचते नहीं कि उस और भी कोई काम आ जाता, अच्छी बात है। ऐसे संतों ने कहा बहनो सुनो तो सरी, श्री राम जी दयाल जी को क्यों विसरी। मानव से एक प्राप्त दिया है, तो बहनों घर में अमृत बरसाओ, आपस में अमृत का बरसाव करो,
एक एक को देखकर हरे हो जाओ, एक एक को देखकर सेवा करो, एक एक को सुख पहुंचाओ, जो दुख पहुंचाओ उसको भी। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करे वाला। संत का यही बड़पन है, वो संतपन है। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, मंद कर जो करे भलाई वो मंद करे, अपने तो भलाई करो भाई। दृष्टांत दिया कि निष्पीड़ित तो मधुर उद्मत इक्षुदंड, इक्षुदंड होता है ऊख होता है गन्ना, उसमें कहानी उधार के पेड़ है तो भी उसे मीठा ही मीठा निकलता है। ऐसा नहीं इसने इतना हमारे को पेड़ दिया है तो उसको करवा देने करो है ही नहीं निकले कहां से। ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं, दुख देने पर भी वे तो सुख ही पहुंचावे, हित ही करते हैं, सर्वभूत हित ही रहता उनका स्वभाव है, हित करने का आदत है, सबका हित कैसे हो। सर्वे भगवान तो सुखी ना सर्वे बिचारी रहता सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब मंगल रहे, सबके आनंद ही आनंद रहे। दुख तो मैं पालूं, बेसुख बनूं, औरों को दुख न हो। घर में एक एक भाई एक एक बहन को ऐसा चाहिए कि कठिनता मैं सह लूं, दुख मैं सह लूं, पर और किसी भाई बहन को घर के सदस्यों को किसी को दुख न हो, कष्ट न हो, ऐसा भाव चलता है वो माँ हो जाती है। पतिव्रता का जहाँ वर्णन आया है उसमें भी बात है, भोजन सुबह पति को भोजन करते समय वो माँ हो जाती है, पत्नी पतिव्रता पत्नी भोजन कराते समय माँ का रूप हो जाती है वो। माँ जैसे थोड़ा और खा रहा, थोड़ा एक और ऐसा इस तरह से पति को भोजन कराती है। तो इसका ये अन्नपूर्णा माँ है, ये माता है, पैदा करती है, पालन करती है और घर में संबंध रहती है। ये संबंध घर है ना, स्त्रियों के द्वारे है, इस वास्ते स्त्रियों के घरों को घर कहते हैं। हमारे बहुत बढ़िया बढ़िया मकान और साधु हो गए, बड़े सुंदर सुंदर, परंतु साधुओं का घर नहीं कहते कोई, मठ कहते हैं, मढ़ी कहते हैं, ठाकुर द्वारा राम द्वारा ऐसा नाम होता है, घर नहीं कहलाता। तो क्या कमी है घर घर की, माल की गृह लक्ष्मी नहीं है, ये स्त्री होती है गृह लक्ष्मी है, जिस घर में रहती वो घर कहलाता है, वो घर कहलाता है घर न गृह गृह गृहिणी गृह उचित गृहिणी होती है वो घर घर है। तो बहनों माताओं को विशेष चेत करना है, विशेष सावधान रहना है, तुम्हारे पास जिम्मेवारी ज्यादा है, सहना पड़ता है। आजकल के छोरा विवाह होने पर छोरियों को अपने स्त्रियों को बड़ा दुख देते हैं, बड़े कष्ट की बात है, हमें तो बड़ा दुख होता है, हम करें क्या, कहना मानते नहीं, नहीं तो दुख नहीं देना चाहिए स्त्री को, कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी प्रसन्नता लो, जिनसे तुम्हारे आशीर्वाद मिलेगी भगवान की तरफ से, काम ठीक होगा। ऐसे बहनों को ऐसा ही चाहिए, घर में रहते हुए सबके सब सुखी कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, काम धंधा हो सो हम करें, आराम दूसरों को मिले, मान बढ़ाई सत्कार आदर औरों को मिले, हम कोई बात नहीं, अपमान हो गया तो हम सह लेंगे, दूसरों का अपमान ना हो, दूसरे की निंदा ना हो, दूसरे का अपकार ना हो, दूसरे का अहित ना हो, सुख पहुंचे सबको, ऐसा भाव रख कर घरों में रहो तो क्या एक घर ही सुंदर हो जाते हैं, घर महाराज शुद्ध हो जाते हैं। सगाई संबंध करने वाले समझदार पुरुष पूछते हैं कि ये लड़की है इस घर में तो इनके आपस में खटपट तो नहीं होती है, लड़की से करते हैं, तुम्हारी माँ और चाची ताई है आपस में लड़ती है क्या, अगर लड़ाई करती है तो उस घर की लड़की नहीं लेती, ये चिंगारी कौन लावे घर में आग लग जाएगी कहीं, और प्रेम से बात करती है वो हमारे सब ठीक है, अगर वो सब वो ठीक रखती है तो उस घर की कन्या लेना चाहते हैं लोग, ऐसे घर की अच्छी सुपात्र कन्या हमारे घर में आ जाएगी तो हमारे घर को भी बड़ा सुंदर बनाएगी। तो भाइयों बहनों अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दो, ऐसे बनाओगे जिसमें वे यहाँ रहे तो सुख पावे, लड़कियां दूसरे घर में जाए तो सुख पावे। एक विशेष बात है, पुरुष अच्छा होता है तो अपने एक घर का सुधार करता है, और लड़की अच्छी होती है एवा उत्तम गुण थी उभय सुकुल उज्वाली है, दो कुल की संस्कृति, अच्छे घराने की बहू होती है तो कहते वाह वाह किसी माँ बाप को धन्य है ऐसी लड़की आई, तो माँ बाप का घर उसकी प्रशंसा हुई, और अमुक घराने की है अमुक घर की स्त्री है उसकी भी प्रशंसा होती है, तो स्त्री दो घरों की प्रशंसा रहती है, और खटपट करती है तो कलंक भी दो घरों में लगा है, ये तो खराब है बड़ी खराब है, अपने दुख पाती औरों को दुख देती है।
दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, हित करना, ऐसा व्रत बहनों माता को भाइयों को लेना चाहिए। और जिसमें सत्संग सुनते हुए सत्संग को सार्थक तभी बनाओगे कि जब वैसे आचरण बनकर हम शुद्ध और निर्मल बन जाए, हमारा आचरण निर्मल बन जाए, इसे शुद्ध बनेगा। तो भैया आज आरंभ का दिन है, अब याद रखो, फिर भगत पर आवेगी तो बातें फिर सुनाएंगे, बहुत सी बातें पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, याद आ जाती है उसके साथ और बता दें। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।